हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, जो प्रोसेस खुद से होता है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, एग्जांपल अगर चाहिए, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ वाटर अपने आप होता है, ठीक है ना। सब जन सोचते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यूस, ठीक है ना, बट ये प्रॉपर कंटिन्यूस नहीं है, अपने आप जो होता है उसे बोलता है, ठीक है। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, सही है। There are two types of spontaneous process. There are two types of spontaneous process. Spontaneous process जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, वेयर नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, वेयर नो इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जांपल, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ वाटर, ओके। सेकंड, वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ वाटर, तुम्हें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता रहेगा भाई, इसीलिए इनिशिएशन, मतलब तुम्हें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल, कैंडल इज लाइटेड, अगर तुम कैंडल जला दो और उसे रख दो साइड में तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, कैंडल जलते रहेगा, मतलब अपने आप जलते रहेगा, लेकिन तुम्हें स्टार्ट करना जरूरी पड़ता है उसके लिए, है ना, करना पड़ता है ना, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग वेयर इनिशिएशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द प्रोसेस विच डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ठीक है, मतलब जो प्रोसेस खुद से नहीं होता, यहां पे क्या है भाई, जो प्रोसेस खुद से होता है, यहां पे क्या है, जो खुद से नहीं होता, जो खुद से कौन सा पार्ट पार्ट नहीं होता भाई, एग्जाम्पल मेरे पास है कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, सही है, खाना जो पकाते हैं वो हमें पकाना पड़ता है भाई, खुद से नहीं हो सकता, राइट, कुकिंग ऑफ फूड, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू
टैंक, ओवरहेड टैंक, सही है ना, नीचे से पानी ऊपर भरते हो तुम लोग, तो हमें करना पड़ता है भाई, भरना हमें पड़ता है, राइट ना, जितना चाहिए उतना भर लेना, फिर बाद में बंद कर देना, राइट। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू टैंक, सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद बच्चे लोग हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का कुछ बेसिक्स है वो हम लोग जानते हैं। शुरुआत में ऐसा माना गया था, मतलब शुरुआत में एंथैल्पी के बेसिस पे, एंथैल्पी बेस पे स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन की गई थी, ठीक है ना, मतलब क्या है एंथैल्पी बेस पे, चले मैं यहाँ पे स्टार मार देता हूँ। एट फर्स्ट इट वॉज कंसिडर्ड that all exothermic reactions are spontaneous reactions. शुरुआत में ऐसा माना गया था सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, एग्जांपल, ओके, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब हमारे पास जो हीट आती है वो सन से अर्थ के पास आती है, मतलब हॉट बॉडी, तो हीट उसमें से कम हो रहा है, मतलब वहां पे हीट की ओवर हो रहा है, राइट ना बच्चे लोग, ओके, बाहर निकल रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट तो क्या हो गया बच्चे लोग, बट देर आर सम एंडोथर्मिक रिएक्शन विच आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, कुछ हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है which are also spontaneous, but there are some endothermic reactions which are also spontaneous. कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है जो स्पॉन्टेनियस है, पहले क्या माना गया था, दैट इज एंथैल्पी के बेसिस पे स्पॉन्टेनियस एक्सप्लेन किया गया स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, और उन्होंने क्या बोला सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। एग्जांपल ये रहा, हीट कहां से कहां मूव करता है, सन टू अर्थ, मतलब हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट। बट उसके विपरीत हमारे पास क्या आया, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है जो स्पॉन्टेनियस है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से, एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, सेकंड मेल्टिंग ऑफ आइस, है कि नहीं, इवेपोरेशन, पानी अगर तुम ऐसे ही रखो तो भाप बन जाता है, राइट ना, पानी भाप बन जाता है तो अपने आप होता है और वहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद वहां पे हमारे पास दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अपने आप पिघल जाता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग ने बोला हेंस एंथैल्पी अलोन कैनॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इसलिए उन्होंने क्या बोला, अकेला एंथैल्पी जो है स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
अकेला एंथैल्पी जो है स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो लोगों ने ये किया, दैट इज आफ्टर दैट देयर वाज अ न्यू कांसेप्ट अगेन इंट्रोड्यूस्ड, दैट वाज रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। फिर डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो उन्होंने क्या बोला, एवरी पार्टिकल इन द नेचर टेंड्स टू मूव फ्रॉम ऑर्डर्ड फॉर्म टू डिसऑर्डर्ड फॉर्म। हर एक पार्टिकल, वेदर इट इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग, हर एक पार्टिकल यूनिवर्स का ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जाता है। मतलब अगर मैं लिविंग हूं, I am a Hindu person, that means मैं एक living person हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे जलाया जाएगा, मतलब मैं particles right now एक combined form में ordered form में है, तो जलाने के बाद वो disordered होने वाले, मतलब एक time के बाद, तो ordered से disordered में जाने वाला है। Second, अगर एक पहाड़ ले लेते हो, तो बड़ा सा पहाड़ है, अगर तुम लोग 20 साल पहले देखो और अब जाके देखोगे, ड्यू टू कोरोजन एंड इरोजन उसके भी पार्टिकल्स, मतलब लिविंग ले लो या फिर नॉन लिविंग ले लो, उन्होंने बोला लिविंग ले लो या फिर नॉन लिविंग ले लो, ठीक है, वो पार्टिकल कहां से जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, ऑर्डर से डिसऑर्डर में, ठीक है। इन नेचर एवरी पार्टिकल tends to move from ordered form to disordered form। कहां से कहां move करता है, ordered form to disordered form, okay? Example, ऑर्डर से डिसऑर्डर, मैंने अभी लिया लिविंग मैं खुद, ठीक है ना, और पहाड़ लिया, तो उससे भी और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं शुगर शक्कर डालूं पानी में, तो पार्टिकल एक साथ था, पानी में डालने पर डिसॉल्व हो गया, मतलब डिसऑर्डर फॉर्म में आ गया, राइट ना, सॉ लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से लिक्विड, मतलब डिसऑर्डर बढ़ गया, राइट ना। एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वॉटर, ओके, बट देर आर सम कंडीशंस वेयर रैंडमनेस और डिसऑर्डर चेंजेस स्पॉन्टेनियसली। सही है कि नहीं बच्चे, देर आर सम कंडीशंस, हाँ बच्चे, कुछ कंडीशन ऐसे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर, और वे अपने आप होने वाला है, ऐसा बोल रहे स्पॉन्टेनियस के लिए, राइट ना। तो यहां पे देर आर सम कंडीशंस, देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ रैंडमनेस और disorder to explain spontaneity। example, हर एक को पता है हर साल बारिश गिरता है, मतलब लिक्विड कौन से, गैस कौन से फॉर्म में आता है, लिक्विड, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वही बर्फ भी गिरता है, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस अपने आप होता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली, है ना, बारिश अपने आप गिरता है, राइट, लेकिन
गैस से लिक्विड हो रहा है, मतलब डिसऑर्डर से ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस, गैस से सॉलिड, बर्फ गिर रहा है, सॉलिडिफिकेशन। मतलब हर बार ऐसा होगा, रैंडमनेस और डिसऑर्डर स्पॉन्टेनिटी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हेंस रैंडमनेस और डिसऑर्डर कैन नॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी कंप्लीटली, ठीक है ना। पहले क्या माना था कि एंथैल्पी एक्सप्लेन कर रहा है, फिर क्या रैंडमनेस और डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों ऐसा नहीं कर पाए। अब यहां पर उसके बाद वो लोग ने क्या बोला, इसीलिए उन्होंने बोला स्पॉन्टेनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब ठीक है ना, वो अभी आगे देखो। देयरफॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन, पहला स्पॉन्टेनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ अगर एंथैल्पी एब्सेंट है तो स्पॉन्टेनिटी कौन एक्सप्लेन करेगा, डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ठीक है ना। अगर यहां पे देखो बच्चे, तो पहले एंथैल्पी के बेस पे स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन, वो भी गलत आया। फिर वो लोग ने बोला रैंडमनेस के बेस पे स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन किया, लेकिन वो भी पूरी तरह से सही नहीं आ रहा है, सही ना। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सोचा थोड़ा सा और फिर डिसाइड किया, दैट इज अगर एंथैल्पी कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है, रैंडमनेस कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने इन्हें दोनों को जोड़ दिया, दैट इज इफ एंथैल्पी कैनॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, देन रैंडमनेस और डिसऑर्डर यूज टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी। अगर तुम्हारा एंथैल्पी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा स्पॉन्टेनिटी, तो क्या इस्तेमाल करो, रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर, ओके। सेकंड, अगर आप लोगों का रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो एंथैल्पी इस्तेमाल करो। इफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर कैनॉट एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी, देन एंथैल्पी इज यूज टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी। अगर रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर नहीं एक्सप्लेन करा, तो एंथैल्पी इस्तेमाल करो। अब थर्ड कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों भी प्रेजेंट है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के वैल्यू के बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करो, मतलब द लार्जेस्ट वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर डिसाइड करो, ठीक है। थर्ड,
इफ एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनियटी both are present, enthalpy and randomness or disorder, not spontaneity, randomness or disorder both are present, then agar एंथैल्पी और रैंडमनेस दोनों भी प्रेजेंट है ठीक है देन द वैल्यूज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओके उनके मैग्नीट्यूड के वैल्यू ठीक है ना मतलब पॉजिटिव वैल्यू डिसाइड करेंगे विल decide the spontaneity of reaction. Yes, yes. इसके बाद मेरा नया कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी लेकिन एंट्रोपी आया कहां से वो भी बता रहा हूं पहले बट बिफोर दैट मैं एंट्रोपी का एक डेफिनेशन देता हूं और फिर एंट्रोपी आया कहां से वो देता हूं ठीक है ना मैं ये जगह छोड़ता हूं एंट्रोपी आया कहां से उसके लिए एंट्रोपी इसे एस से डिनोट कर रहे हैं Now, what is entropy? The measure of disorder or randomness of a system. Measure of disorder or randomness of a system. इट इज अ स्टेट फंक्शन ये एक स्टेट फंक्शन है ठीक है अब यहां पर इसे एस से डिनोट करते हैं ये आया कहां से ठीक है ना तो सबसे पहली बात डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करता है ठीक है ना यहां पे लिया था हम लोगों ने ओके तो व्हाई इज रैंडमनेस और डिसऑर्डर यूजफुल टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है Why is randomness or disorder used to explain spontaneity? रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर स्पॉन्टेनिटी के लिए क्यों लिया गया ओके तो सबसे पहली बात यहां पे क्वेश्चन में मतलब ये पूछना जाता है ऑर्डर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिया डिसऑर्डर फॉर्म क्यों लिया ऑर्डर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिया स्पॉन्टेनिटी के लिए आप लोगों ने डिसऑर्डर फॉर्म क्यों लिया क्या रीजन है बिकॉज डिसऑर्डर फॉर्म इज मोर फेवरेबल मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर फॉर्म इज मोर देन ऑर्डर्ड फॉर्म ये विथ रीजन बताऊं बराबर ध्यान दो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर्ड फॉर्म इज मोर देन ऑर्डर्ड फॉर्म ठीक है एग्जाम्पल
में लेता हूं, ओके, 10 कॉइंस, व्हाट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल 10 हेड्स, ठीक है ना, 10 कॉइन लेता हूं एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सारे के सारे हेड्स आए, सारे के सारे हेड्स आए। अगर मैं 2 कॉइन लेता हूं बच्चों, 2 कॉइन प्रोबेबिलिटी देखो, 2 कॉइंस, तो हो सकता है हेड हेड आए, या फिर आए हेड पहला वाला और टेल दूसरा वाला, ठीक है ना, तो थर्ड वन टेल आए और हेड आए और लास्ट में टेल भी, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, वन ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ टू हेड्स, सही ना, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4, 4 में से एक हेड का पॉसिबिलिटी है, सही है ना बच्चे लोग, ओके, 4 मतलब 2 कॉइन अगर कर रहे हो तो 2 × 2 हाउ मच दैट इज 4, तो अगर 10 कॉइन हेड कर रहे हो तो 2 raised to 10 आएगा इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 raised to 10, देखो 4 में से एक बार हेड आ रहा है, अब मैंने कितने कॉइंस लिए, 10 कॉइन लिए भाई, सही ना, तो 2 कॉइन ले रहे हो 2 × 2, तो 10 कॉइन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
दो कॉइन ले रहे हो तो 2 into 2, तो 10 कॉइन ले रहे हो तो 2 into 2 into 2 है ना, हर एक कॉइन है टेल है टेल है टेल है टेल, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा 512, 512 2 जा 1024. What is the possibility, total probability 1024, out of which only one is 10 heads. जिसमें से सिर्फ एक ही 10 हेड दिखाएगा, आउट ऑफ विच वन इज 10 हेड, मतलब 1024 में से एक क्या दिखाएगा भाई, 10 हेड, मेरे को जो 10 हेड चाहिए था वो दिखाएगा, तो बचे कितने, व्हाट आर द रिमेनिंग 1023, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में एक आया, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में कितने आए, 1023, 1023 डिसऑर्डर्ड फॉर्म्स, मेरे को ऑर्डर 10 हेड एक लाइन में चाहिए थे तो वो एक है, और बाकी डिसऑर्डर कितने हो गए, 1023 डिसऑर्डर फॉर्म्स हैं, राइट ना बच्चे लोग, ठीक है, जिसकी वजह से एक नया कंसेप्ट आ गया एंट्रोपी. दिस गेव राइज टू अ न्यू कंसेप्ट एंट्रोपी, एंड व्हाट इज एंट्रोपी, द मेजर ऑफ व्हाट, डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? अब यहां पे बच्चे लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी देखो बच्चे लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला, दैट इज एवरी पार्टिकल, ज्यादा करके सारे पार्टिकल्स ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना, वेदर इट इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, पार्टिकल ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जाते हैं, ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो स्लो प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, सीधी सी बात है, मैं एक सर्टेन एज में जाके एक्सपायर हो जाऊंगा, 60, 70, 75 आसपास हम लोग एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसा पकड़ के चलते हैं, तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब 70 साल लगे, सिमिलरली पहाड़ को पूरी तरह से छोटा पीसेस में बनने के लिए
हजारों साल लग जाते हैं। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देयर इज हीट एक्सचेंज। ठीक है, इतने सारे प्रोसेस होने के लिए वहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Taking place in infinite steps. Taking place in how many steps? Infinite. बहुत से steps में हो रहा है, ठीक है ना? Heat exchange हो रहा है, इसके बीच में system and surrounding, मैंने अभी बोला 70 years, 75 में मैं expire हो जाऊंगा, तो मतलब 70 साल, मतलब होने के बाद में डिसऑर्डर होने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये बहुत लार्ज प्रोसेस है। तो इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइट स्टेप्स। इनफाइनाइट स्टेप्स मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ? रिवर्सिबल, हमने लिया भी है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है। मतलब तुम्हारा जो डी एस है, एंट्रोपी चेंज, हीट एक्सचेंज की वजह से एंट्रोपी थोड़ा सा चेंज, मतलब मैंने इतने सारे स्टेप में से एक छोटा सा स्टेप लिया, थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज हुआ, तो थोड़ा सा एंट्रोपी चेंज हुआ तो क्यू, दैट इज डी क्यू, थोड़ा सा हीट एट अ सर्टेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंडीशन पे है, राइट ना, अपॉन टी। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग both the sides with respect to certain limits, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं with respect to certain limits। तो इंटीग्रेशन ds s1 से लेके s2, ओके, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, मतलब कुछ तो स्टार्ट हुआ, मैं पैदा हुआ और मैं मरा, तो s1 तब का एंट्रोपी और अब का एंट्रोपी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टी को मैं बाहर रख देता हूं इंटीग्रेशन, तो अगर मैं इंटीग्रेशन 1 dx करता हूं तो आता है x, dx के हिसाब से x आता है, तो ds के हिसाब से s आएगा, कुछ नहीं रहेगा तो 1 होता है। ठीक है, कहां से कहां तक, s1 से लेके s2, 1/t क्यू रिवर्सिबल आ जाए, सही है, क्यू रिवर्सिबल। अब यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज s2 माइनस s1 इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। s2 माइनस s1 को डेल्टा s इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ओके, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, बट हमारे पास है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास, है ना, एट अ कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं यहां पे प्रेशर चल रहा है, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे सब कुछ हुआ है, तो इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला हो सकता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। क्लियर है, चलो ठीक है।
अभी रूल्स या फिर गाइडलाइंस ऑफ एंट्रोपी चेंज, रूल्स या फिर गाइडलाइंस, अगर पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर, तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, क्योंकि लिए एंट्रोपी डिसऑर्डर मेजर करता है, तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है। सेकंड, लिक्विड से गैस जा रहा है तो फिर से डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज विल पॉजिटिव। सॉलिड से गैस जा रहा है तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। अगर गैस से सॉलिड आ रहा है तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव, गैस से लिक्विड आ रहा है, सीधी सी बात है, डिसऑर्डर से ऑर्डर में आ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव, ठीक है। If in a given particle, number of particle अचानक से बढ़ जाते हैं तो disorder बढ़ जाता है, ठीक है। एक particle है वो छोटे छोटे particle में divide हो गए, मतलब एक पहाड़ ले लिया, ठीक है, और थोड़े साल बाद तुम लोग देखते हो तो पहाड़ छोटा हो गया और उसके particle बढ़ गए, तो इसका मतलब ये ordered form में था, ये disorder form में। Number of particles of a given particle increases due to certain reasons, okay? Disorderedness increases, मतलब entropy increases. Number of particles in a certain particle increases. In a certain particle increases due to some reasons, कुछ कारणों की वजह से particle बढ़ गए, entropy increases. वाइस वर्सा, मतलब अगर उल्टा करो, पार्टिकल डिक्रीज हो गया तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, ठीक है। और एक चीज है वो भी आपको याद रखनी है, ये पार्टिकल बड़ा था, ये पार्टिकल छोटा हो गया, देखो बराबर से, ये पार्टिकल बड़ा था, ये पार्टिकल छोटा हो गया, छोटा क्यों हो गया, एक बार इसमें डिसऑर्डर बढ़ गया, ये पार्टिकल बड़ा है, ये पार्टिकल छोटा है, ठीक है। एज द साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, डिसऑर्डर और रैंडमनेस इंक्रीजेस, as the size of particle decreases, disorder or randomness increases, disorder या फिर randomness बढ़ जाता है, ठीक है। Okay.
नेक्स्ट वन है मेरे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इट, एंट्रोपी. ठीक है, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ओवर हियर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. मतलब मैंने तभी बताया था यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल वेदर इट इज अ लिविंग और अ नॉन लिविंग ऑर्डर्ड से कौन से फॉर्म में जा रहा है, डिसऑर्डर्ड. सही है ना, ऑर्डर्ड से कौन से फॉर्म में जा रहा है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जा रहा है. राइट, थिंक करो. तो अगर ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर, मतलब एंट्रोपी क्या है भाई, डिसऑर्डर मेजर करता है, तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है. तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. Entropy change of the universe is always greater than zero. Always greater than zero. मतलब delta S universe is greater than zero. लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, डेल्टा इज यूनिवर्स. यूनिवर्स को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे मैं आई एस लिखता हूं, या फिर डेल्टा एस टोटल, या फिर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, दिस इज ऑल ग्रेटर देन जीरो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो. यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो. समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट आता है कि अगर यूनिवर्स के मैक्सिमम पार्टिकल्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हर एक पार्टिकल ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने वाला है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सेकेंड, अगर ऐसा नहीं हुआ और एक पार्टिकल नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. थर्ड वन, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया. तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू स्टूडेंट्स.